हाय फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कि अगर आपको कोरोना संक्रमण हो गया है और आपको हल्के लक्षण हैं, आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, आपने डॉक्टर से सलाह ली है, तो घर पर ही होम आइसोलेशन कर सकते हैं। इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक गाइडलाइन जारी की है, जिसके कुछ अंश मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि आपको क्या क्या होम आइसोलेशन में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, उसके कुछ पॉइंट मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। नंबर वन, मरीज के व्यक्ति के लिए एक कमरा अलग से रखें। वो कमरा खुला होना चाहिए और उसकी खिड़कियाँ वगैरह खुली होनी चाहिए, ताज़ी हवा होनी चाहिए, उसके पर्याप्त वेंटिलेशन होना चाहिए। ऐसा कमरा ना हो जैसे पैक हो तो उसमें उसका घुटन हो सकता है, तो ऐसा कमरा उस मरीज के लिए बिल्कुल न रखें। सेकंड, हर समय मरीज के ऊपर ध्यान रखने के लिए एक व्यक्ति जरूर होना चाहिए, क्योंकि आप घर पर होम आइसोलेशन में हैं तो किस वक्त क्या पता डॉक्टर से जरूरत पड़ जाए, तो उसकी हर तरह से हर एक घर का एक व्यक्ति उस पर जरूर नज़र रखे। वो व्यक्ति समय समय हाथ को सैनिटाइज करता रहे और मरीज को जो भी चीज़ें देवें वो सुरक्षित रूप में चीज़ें देवें, वो खुद उस चीज़ से टच ना हो। थर्ड, मरीज ट्रिपल लेयर का मास्क एनी टाइम लगा के रखें। वो मास्क लगाने से ये होगा कि आपका घर का कोई भी व्यक्ति अगर आपको कुछ भी चीज़ें या कुछ भी सामान या खाने पीने की कोई दे रहे हैं, तो वो दूसरे वाले उस इन्फेक्शन से ग्रसित नहीं होंगे। इसीलिए मास्क जरूर लगा रखें और मास्क भी समय समय पर एक समय निश्चित रखें, वो मास्क समय समय पर बदलते रहें। फोर्थ, मरीज इस वक्त घर पर सिर्फ लिक्विड चीज़ें लेवे, लिक्विड चीज़ें, क्योंकि आप एक कमरे में बंद हैं, न कहीं आप बाहर जा रहे हैं, न कहीं बाहर जा रहे हैं, न घूमने जा रहे हैं, तो हो सकता है आपको कब्ज की शिकायत हो सकती है, खाना ना पचे, तो लिक्विड चीज़ें ले, जूस ले सकते हैं, आप फल ले सकते हैं, कच्ची सब्जियाँ ले सकते हैं, कुछ ऐसे नट्स ले सकते हैं, तो ऐसी चीज़ें अभी लेवे। ऐसी चीज़ें आप न लें, तली भुली ऐसी चीज़ें न लें जिससे आपको शरीर में कब्ज हो, जलन हो, तो ऐसी चीज़ें इस वक्त आप बिल्कुल अवॉइड करें। फिफ्थ, मरीज 40 सेकंड तक अपने हाथ साबुन से धोएं, और अगर साबुन से नहीं तो एल्कोहल युक्त सैनिटाइज से अपने हाथ साफ करें, समय समय पर जरूर करते हैं। सिक्स, मरीज अपनी चीज़ें किसी से घर में किसी से शेयर न करें। अगर मरीज अपनी चीज़ें किसी से शेयर करेंगे तो हो सकता है घर के दूसरे मेम्बर भी कोरोना से इफेक्टेड हो सकते हैं, इसीलिए ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखें कि मरीज की चीज़ें सिर्फ मरीज ही शेयर करें, दूसरे घर के दूसरे व्यक्ति उस चीज़ को शेयर ना करें। सेवन, अगर घर पे आइसोलेटेड हैं और अगर मरीज को कुछ दिक्कत होती है, सांस लेने में अगर कुछ दिक्कत आ रही है, अगर उसका ऑक्सीजन लेवल 94 के नीचे है या फिर कुछ सीने में दर्द होता है, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि इस वक्त उस मरीज को डॉक्टर की सलाह की बहुत ज़रूरत होती है। अगर उसको हॉस्पिटल में एडमिट करने की भी ज़रूरत हो तो बिल्कुल ज़रूर आप एडमिट करें। एट, अगर मरीज 10 दिन तक रेगुलर होम आइसोलेशन में है और अगर 3 दिन तक अगर रेगुलर उसको बुखार ना आए, तो आप होम आइसोलेशन ख़त्म कर सकते हैं बिना टेस्टिंग किए हुए। ये गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, लेकिन उससे पहले आपको डॉक्टर से परामर्श जरूर लेना होगा। 9, होम आइसोलेशन के दौरान डॉक्टर के द्वारा कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की जाती है, तो आप डॉक्टर की सलाह से जो डॉक्टर वो दवाएं बताई हुई है कि होम आइसोलेशन में आपको किस तरह की दवाएं लेनी है, वो दवाइयां आप जरूर लेवे, तो उससे क्या है कि आपके शरीर में जो वो संक्रमण है, हल्के लक्षण वाला संक्रमण है, वो जल्दी दूर हो जाएगा और आप जल्दी स्वस्थ हो जाए। लास्ट, रेमडेसिविर इंजेक्शन की बहुत ही मारामारी चल रही है, तो आप घर पर रेमडेसिविर उपलब्ध की कोशिश ना करें, यह सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल में ही लगाया जाता है, इसीलिए आप बिना डॉक्टर की सलाह लिए हुए इस इंजेक्शन के बारे में ना सोचें और ना ही लगवाएं, इसके लिए डॉक्टर की सलाह बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आज मैंने आपको बताया है कि आप अगर हल्के लक्षण हैं कोरोना की और आप घर पर ही होम आइसोलेशन में हैं, तो आपको किस तरह की सावधानी रखनी है, ये आज मैंने आपको बताया है। इसी के साथ आज यहीं, नमस्कार।